ये बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग एट एक्सियल पोजीशन। तो पिछले जो वीडियो हम लोगों ने देखा था उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ड्यू टू सर्कुलर रिंग, लेकिन उसके सेंटर पे हमने बात की थी। ठीक है बेटा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है इन तीनों में, जो एप्लीकेशन होते हैं आपके बायो सेवर्ट के, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए बेटा थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखें आप लोग। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग एट एक्सियल पोजीशन, तो याद होगा आप लोगों को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किया था एक्सियल पोजीशन में ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। बिल्कुल ऐसा सही है कुछ। ठीक है, तो अगर यहां पे एक रिंग की हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो ये रिंग मैं बना लेता हूं। मान लिया बेटा ये वो रिंग है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, ये रिंग का सेंटर है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, चलो मैं इसको ए मान लेता हूं। ठीक है, और इसका सेंटर जो ये है इससे एक्सियल पोजीशन कहां बैठेगा, या तो इधर या फिर इधर। तो हम यहां मान लेते हैं कि वो पॉइंट है बेटा हमारा पी, जिसपे हमें क्या देखना है बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड देखना है। कब? जब इस रिंग के अंदर एक करंट जो है वो आपका फ्लो हो जाएगा। मैंने मान लिया बेटा एक करंट जो है इस तरीके से आपका घूम रहा है इसके अंदर, यानी कि ऐसे रिंग है मेरी, देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे रखी हुई है, ये सेंटर है उसका, और इस सेंटर से आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से ये पॉइंट है पी। ठीक है, जैसे मार्कर की टिप आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो इसमें आपको जब करंट घूमेगा तो जाहिर सी बात है ये करंट की वजह से इस पी पॉइंट पर क्या होगा बेटा आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है अब की बार कि वो कितना रहेगा। ठीक है, एक सेकंड। तो जब अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अब आप जानते हैं कि पूरी जो रिंग है आप लोगों की, ठीक है बेटा, ये जो कंप्लीट रिंग आपको दिखाई दे रही है, इस कंप्लीट रिंग की वजह से एक साथ आप कोई मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है बायो सेवर्ट का कि मैग्नेटिक फील्ड जो फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा आपका डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ये किसकी वजह से होता है बेटा आपका, ये होता है डीएल यानी के एक एलिमेंट की लंबाई की वजह से। क्लियर बेटा बात? एक छोटा सा एलिमेंट आपको इसमें कंसिडर करना होगा। ठीक है, तो वो छोटा सा एलिमेंट चलो बेटा मैं यहां से कंसिडर कर लेता हूं ये। क्लियर बेटा बात? ये मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसकी जो लेंथ है वो कितनी आपकी, मान लिया बेटा आपकी डीएल लेंथ का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखें तो आप देख सकते हैं यहां पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस सर्कुलर रिंग, तो ये इस तरीके से आपकी एक रिंग है ऐसे। ठीक है बेटा, और ये रिंग की वजह से आपको यहां पे क्या देखना है बेटा आपका एक मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं कि ये वो एलिमेंट है, एक सेकेंड रुकिए मैं रिंग हिल लेता हूं एक, तो मैं मान लेता हूं बेटा कि वो ये रिंग है आपकी। ठीक है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, और ये रिंग ऐसे रखी हुई है। क्लियर बेटा बात? ऐसे, और ये रिंग जो ऐसे रखी हुई है, ठीक है, इस रिंग की वजह से यानी कि यहां पे वो एक तरीके से पॉइंट है आपका जहां पे आपको क्या निकालना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड यानी कि ये। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, वो फॉर्मूला जो आपका यूज होगा वो किस सिचुएशन में यूज हो सकता है बेटा, एक एलिमेंट की सिचुएशन में। तो मैंने मान लिया कि वो एलिमेंट देखो यहां पे से, ठीक है, यहां से मैंने कहीं से भी एक एलिमेंट कट कर लिया अपना, तो ये एलिमेंट मान लिया इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले इस एलिमेंट की वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि करंट उसमें ऐसे घूम रहा है, तो अंगूठा यानी कि एक स्ट्रेट वायर की तरीके से ये बिहेव करेगा। तो अंगूठा किस डायरेक्शन में रहेगा बेटा आपका, करंट की डायरेक्शन में। तो उंगलियों को जैसे आप फैलाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है बेटा आपका, नीचे की तरफ को। क्लियर बेटा बात? तो यानी कि अगर इसकी वजह से वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड देखता हूं तो ये कुछ इस टाइप से आपका मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा नीचे की तरफ को, ऐसे। थोड़ा सा आप ज्यादा तिरछा इसको बना दें जिससे आपको ये दिखाई दे जाए कि कैसे जा रहा है बेटा आपका ये अंदर की तरफ को, क्योंकि देखो नीचे ऐसे तो बना नहीं सकते। ठीक है, तो इसको मैं इससे मिला देता हूं। ठीक है, ये सेंटर का डिस्टेंस
इस पी पॉइंट से सॉरी सेंटर का डिस्टेंस कितना है बेटा, कुछ भी मान लीजिए, मान लिया एक्स है, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंट से मैंने मान लिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है बेटा, मान लिया आपका डीबी डैश, और ये डीबी डैश का क्या होगा बेटा, आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता करना होगा कि क्या डीबी डैश कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड ये जो आपका डीबी डैश आया है क्या ये यूजेबल है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है बेटा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन ये होती है, ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा वो हमारे लिए यूजेबल होगा। तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड तो यूजेबल नहीं होगा, क्लियर बेटा बात, यानी कि इसका आपको एक कंपोनेंट जो है बेटा वो ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट को ब्रेक करने के लिए मैं इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बना लेता हूं, जिसमें मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है बेटा आपका, मान लिया फाई, क्लियर बेटा बात। तो अगर ये एंगल फाई है, ये अल्टरनेटिवली 90 माइनस फाई होगा, तो ये फिर से कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये फिर से फाई हो जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे डीबी डैश के, तो डीबी डैश के कंपोनेंट ये वाला कितना होगा बेटा आपका, डीबी डैश कोस फाई, और ये वाला कितना होगा बेटा आपका, डीबी डैश साइन फाई। ये बात मेरे ख्याल में समझ आई होगी, ठीक है। अब ये एलिमेंट जो आपने यहां पे कट किया था, ठीक है, हो सकता है ये एलिमेंट यहां पे हो जाए, अगर ये एलिमेंट यहां हो जाएगा तो अब की बार मैग्नेटिक फील्ड कहां मिलेगा बेटा आपको, ये मिलेगा अब की बार इधर, ठीक है। अगर दोनों की सेम लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका भी डीबी डैश ही हो गया, इसको भी मैं चलो यहां पे ऐसे मिला लेता हूं, ठीक है। ये फिर से फाई, अल्टरनेटिवली ये भी कितना होगा बेटा, फिर से फाई होगा। अगर आप इसके भी कंपोनेंट तोड़ते हैं, चलो इसको मैं डबल डैश मान लेता हूं, तो जैसे आप इसको कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बेटा आपका, अब की बार ये वाला कोस फाई हो जाएगा, और ये वाला फिर से कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये वाला फिर से साइन फाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें जो रिजल्टेंट चाहिएगा, अब आप देखिए ये डीबी हमेशा डीबी डैश किसके बराबर होगा आपका, ये तो डीबी डबल डैश के बराबर होगा, क्योंकि लेंथ वगैरह सारी चीजें सेम है। तो जैसे ही आप इस डायरेक्शन का रिजल्टेंट देखेंगे वर्टिकल का, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा आपके, कैंसिल आउट, यानी कि हमारा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट वाई एक्सिस पे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप एक्स एक्सिस पे बात करते हैं, तो एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन सेम ही आया है, यानी कि इस तरीके से हर एक एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में वो कैसे मिलेगा, ऐसे। तो अगर सबको मैं प्लस कर दूं तो मेरा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन ऐसा यहां पे पॉसिबल नहीं है कि आप सबको क्या कर दे बेटा प्लस, क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने एलिमेंट इसमें से कटोंगे, यानी कि हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा बेटा आपका, इंटीग्रेशन का, किसका, इंटीग्रेशन का आपको इसमें सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन हमें यह जरूर पता लग गया कि हमारा जो डीबी होगा नेट वो किसके बराबर होगा बेटा आपका, डीबी डैश साइन फाई के बराबर हो जाएगा, क्लियर बात। दोनों को प्लस करके ना लिखें, क्योंकि जैसे ही आप दोनों को प्लस करके लिख देंगे यहां पे, अगर मान लिया सपोज आपने 2db डैश साइन फाई बना दिया यहां पे, तो ये दोनों कंसीडर हो जाएंगे बेटा आपके, और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये दोबारा से फिर कंसीडर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आपको लेना एक ही है इसमें से, ठीक है। तो मैंने ले लिया डीबी डैश साइन फाई, क्लियर बेटा। तो अगर इसका रिजल्टेंट मुझे चाहिए, तो रिजल्टेंट देखने के लिए डीबी डैश का तो वैल्यू मुझे पता ही है पहले, कितना हो जाएगा बेटा आपका, म्यू नोट अपॉन 4π आईडियल अपॉन आर, क्या है बेटा हमारे हिसाब से एलिमेंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस, मीन्स ये हमारे हिसाब से आर है, ठीक है। तो आर का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो पहले आर निकाल लीजिए आप लोग, कितना होगा बेटा पाइथागोरस लगा के, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहां पे स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा क्या बेटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में क्या है फॉर्मूले में, साइन थीटा। अब साइन थीटा किस किस के बीच का होता है बेटा, एलिमेंट और बीच का जो आपका डिस्टेंस है, ठीक है। आप देखिए इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा, जैसे ये रिंग था बेटा आपका, ठीक है, इस रिंग में यहां पे आपने एलिमेंट कट किया, देखो यहां पे, ठीक है, ये एलिमेंट आपने कट किया, ये आपका वो बीच का डिस्टेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट कितना एंगल बनाएगा बेटा, यही तो एंगल है वो थीटा, ये वाला,
तो ये एंगल कितने डिग्री है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा ये तो 90 डिग्री हो गया, नहीं हो गया, यानी कि ये थीटा इस केस में कितने डिग्री हो जाएगा आपका, 90 डिग्री, क्योंकि ये एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, बीच का डिस्टेंस मीन्स आर जो है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आपका 90, और जैसे ही थीटा 90 होगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा आपका 1, साथ में लेकिन साइन 5 भी है, तो साइन 5 आप लोग एज इट इज इसमें रख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखो फाइ और थीटा दो अलग अलग एंगल है, ध्यान रखना। तो डी बी इक्वल्स टू अगर मैं साइन की भी वैल्यू यहां पे रख दू फाई की, तो ये आई डी एल हो गया अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और अगर साइन फाई की मैं बात करूं तो साइन फाई कितना होगा बेटा आपका, इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं आप लोग, कितना होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए ऊपर हो जाएगा और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बेटा आपका नीचे, ठीक है। तो जैसे आप इसको सही तरीके से लिखेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन ये हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय, ये आपको डीबी मिल गया बेटा, जो कि किसकी वजह से था, इस एलिमेंट की वजह से। लेकिन जाहिर सी बात हमें तो क्या चाहिए बेटा, हमें तो कंप्लीट रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो अगर कंप्लीट रिंग का मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है तो उसके लिए आपको दोनों तरफ का क्या करना होगा बेटा आपका है इंटीग्रेशन। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने माना ये जीरो से कहां गया बी, ये कहां से कहां जाएगा बेटा, जीरो से क्या चीज वेरिएबल है डीएल, क्योंकि डीएल 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 जुड़ के ही क्या बनाएंगे आपकी पूरी रिंग, तो पूरी रिंग को कवर करने के लिए कहां से कहां जाएगा बेटा आपका 2 पाई ए, यानी कि इसकी टोटल सरकमफेरेंस। तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बी इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल कितना 2 पाई ए इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय, तो यहां पे पाई से तो पाई कट जाएगा और 2 से कितना हो जाएगा बेटा 4, तो कितना बचेगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई ए इंटू ए कितना बेटा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय, क्लियर बेटा बात। तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका, ठीक है, किसकी वजह से बेटा आपका, इस सर्कुलर रिंग की वजह से, कहां पे बेटा आपका एक्सियल पोजीशन में, ठीक है। अगर इस रिंग में भी नंबर ऑफ टर्म्स एन हो जाते हैं तो एन की आप नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए बी का, तो एन से आप क्या करा सकते हैं बेटा इसमें मल्टीप्लाई, क्लियर बेटा बात, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाय, क्लियर बेटा बात। दूसरी एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहूंगा आपको, एक तरीके से ये रिंग का एक जनरल सॉल्यूशन भी हो गया, यानी कि आप इसका यूज करके फॉर्मूले का कहीं पे भी अपना मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया जैसे सेंटर पे हमने निकाला था, तो यही आपका फॉर्मूला आपको सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा देगा। यहीं पे देखिए ये पॉइंट सेंटर पे कब पहुंच जाएगा, ये पी का सेंटर कब हो जाएगा, ये तब हो जाएगा बेटा जब एक्स का वैल्यू केस अगर मैं इसमें बनाता हूं तो वैन एक्स इक्वल्स टू कितना बेटा आपका 0, यानी कि जब ये 0 हो जाएगी, तो 0 होते ही ये P पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा बेटा आपका इस ओपर, सीधी सी बात है। तो यानी कि अगर आप सेंटर पे देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो आप इसी का यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप x इसमें 0 रखेंगे तो B इक्वल्स टू कितना बेटा आपका म्यू नोट अपॉन 2 इंटू आई ए स्क्वायर अपॉन ये 0 हो गया, तो ए स्क्वायर को 2 कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बचेगा बेटा ए क्यूब स्क्वायर से 3 पावर कटेंगी तो कितना बचेगा म्यू नोट आई अपॉन 2 ए। तो मेरे ख्याल में यही मैग्नेटिक फील्ड था, बस फर्क इतना है कि वहां पे हमने रेडियस आर मानी हुई थी और यहां पे हमने कितनी मानी है बेटा आपकी स्मॉल ए, हमने यहां पे रेडियस कंसीडर की है। बात समझ में आई, ठीक है बेटा। ये यहां से देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें बनती है तो नीच जगह आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर बोर्ड पे होता तो ये पहली बार के में ही समझ में आ जाता, लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको दिखा पाना मेरी भी मजबूरी है, ठीक है, लेकिन आप लोग जब थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा, ओके।